नमस्कार दोस्तों, मैजिकल किचन बाय इति मिश्रा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होली के लिए स्पेशल चावल से बनने वाली कचरी, जो कि बहुत ही मुलायम है और बहुत ही आसान तरीके से बनती है। जी हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए करीब, मैंने आधा किलो कचरी वाले चावल लिए हैं जिसे कनकी बोलते हैं, 2 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच नमक, 5 से 6 चम्मच रिफाइंड ऑयल। चावल को मैंने करीब 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था और इसको अच्छे से पानी से हमने धो दिया है। अब मैंने कुकर में पानी बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था। करीब यहाँ पर हमने 9 ग्लास पानी लिया है। अब इसमें हम 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे और नमक डालेंगे। नमक इसलिए डालें ताकि हमारे पानी में ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और इसी में हम अजवाइन डाल देंगे करीब 2 चम्मच, ताकि पानी में इसका बहुत अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा। जब ये खोल जाएगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें हमने जो चावल धो के रखे थे उसको डाल दिया है और इसको हम चलाएँगे। चलाते रहिएगा स्टार्टिंग में, इसे हमें बराबर चलाते रहना है क्योंकि ये तेज आंच में बनाना है ताकि ये लगे ना। स्टार्टिंग में इसे बराबर चलाइएगा और थोड़ा सा पानी और इसमें आप ऐड कर दीजिएगा। पहले मैंने 9 ग्लास डाला था, फिर उसके बाद 3 ग्लास और डाल लिएगा, टोटल 12 ग्लास इसमें पानी पड़ेगा। अब इसे हम बंद कर देंगे। इसमें करीब हम 3 सीटी लगाएंगे। 3 सीटी लगने के बाद ही काफ़ी अच्छे से पक जाएगा। अब मैंने इसे पकने के लिए चढ़ा दिया है। 3 सीटी लग गई है, अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से पक गया है और कितना अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें। ये अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब इसे आप चला लीजिएगा गरम गरम, ताकि चावल हमारे जो भी हल्के से वैसे हैं वो हमारे अच्छे से इसमें मैस हो जाए जाएंगे। अब हमने छत पे आ गए हैं हम, और छत पे मैंने पनीर डाल दी है, उस पर ऑयल लगा दिया है, और ये हमारे पास कचौड़ी बनाने के लिए मशीन है। इसमें आप जो भी आप सेव बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। हम पहले सेव वाला बनाएंगे, तो मैं यहाँ पर मोटा वाला सांचा लगा रही हूँ जिससे कचरी काफ़ी अच्छी निकलेगी। और इसमें मैंने डाल दिया है चावल, थोड़ा सा हल्का सा अंदर ऑयल, पहले भी मैंने लगा दिया था रिफाइंड ऑयल ताकि चिपके ना। अब इसे इस तरीके से हमें बंद करना है और इसे गोल गोल घुमा के हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालना है। अगर आपके पास नहीं है मशीन तो आपके पास कद्दूकस होगा, आप उससे भी बना सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, आपको थोड़ी थोड़ी धूप पे इस तरीके से डालना है, और धूप में बनाए तो ज़्यादा अच्छा है, जल्दी से सूख भी जाती हैं। 5 से 6 घंटा लगता है और ये सूख जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती हैं। ये मैंने सब डाल दी हैं, ये देखिए। अब मैं आपको यहाँ पे एक दूसरी डिज़ाइन बता रही हूँ। मैं इसमें आपको सिंगल वाला जो मैंने सांचा लिया था वो मैंने लगाया है, जिसमें स्टार शेप में आते हैं। इस तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा गोल गोल करके आपको रोटेट करके इस तरीके से आपको गिराना है। ये देखिए, ये थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही आपको करना है। ये सभी को सूखने में आपको करीब, अगर तेज़ धूप है तो 5 घंटे लगेंगे, अगर तेज़ धूप नहीं इसे आप डाल दीजिएगा। और ये देखिए, हमारी कचरी चावल की तैयार है। अब इसको हम सूख गई है, अब इसको हम आपको भूंज कर दिखाएंगे। ये देखिए, भूनने के बाद ये ऐसी हो गई है। अब इसे हम भूनेंगे, मैंने रिफाइंड तेल में मैं इसे भून रही हूँ। पहले मैं चेक कर रही हूँ, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए इसके लिए। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप भूनिए, नहीं तो ये काफ़ी अच्छे से नहीं भूनती हैं। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और आप इसमें इसको भून लीजिए। ये होली के लिए बहुत ही बेस्ट स्नैक्स में आएगा।
इसे आप बना सकते हैं बहुत ही जल्दी। और चावल तो हर किसी के घर में होते हैं, और ये चावल कनकी वाला जो होता है आप उससे भी बना सकते हैं, उससे ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल वाले चावल से भी बना सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने एक अलग पापड़ बनाया है, इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी बताऊँगी। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी है, ये काफ़ी अच्छा है। इसकी रेसिपी मैं आपको जल्दी ही आपको वीडियो इसकी लेकर आऊँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं आपको इसकी रेसिपी डालूँगी। ये लीजिए, आपके लिए होली के लिए स्पेशल कचरी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी होली के लिए स्पेशल लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।